हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ बरकाकाना रेलवे स्टेशन के बारे में। तो चलिए सीधे चलते हैं बरकाकाना रेलवे स्टेशन की। और तो फाइनली हम बरकाकाना रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं और कुछ इस तरह दिखता है बरकाकाना रेलवे स्टेशन का बाहरी नज़ारा। तो चलिए हम बरकाकाना जंक्शन की ओर इंटर करते हैं। इंटर करते ही आप लोगों को कुछ इस तरह का नज़र आएगा, यहाँ पे लिखा होगा ट्रेन का नाम और किस टाइम पे आने वाली है ट्रेन। देख सकते हैं यहीं पर टिकट काउंटर भी है। तो चलिए अब हम चलते हैं प्लेटफॉर्मों की और तो हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म की ओर। देख सकते हैं आप ट्रेन खड़ी है। ये जो है ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। और जो आप देख रहे हैं दाहिने तरफ ये रूम, ये सब है वेटिंग रूम जो कि वीआईपी के लिए है। तो चलिए आप चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे प्लेटफॉर्मों की ओर। आप देख सकते हैं ओवरब्रिज के ऊपर से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है। और आप लोगों को बता दें कि बरकाकाना रेलवे स्टेशन है वो रामगढ़ जिला के अंतर्गत में आता है जो कि झारखंड राज्य के अंदर में है। और आप लोग को बता दें कि बरकाकाना रेलवे स्टेशन में कुल 5 प्लेटफॉर्म है और कुल 11 ट्रैक है। और आप लोग को बता दें कि अगर आप यहां पर आते हैं तो आप लोगों को पार्किंग की भी सुविधा मिल जाएगी। हालांकि पार्किंग का फी है, उसको आपको पे करना होगा। और आप लोग को बता दें कि बरकाकाना रेलवे स्टेशन जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत में आता है। और डिवीज़न की बात करें तो यह धनबाद डिवीज़न के अंतर्गत में आता है। और बता दें आप लोगों को यहाँ पर रोज़ाना हजारों की संख्या में लोग सफ़र करते हैं और इस स्टेशन को बड़े बड़े शहरों से जोड़ा गया है। आप इस स्टेशन के माध्यम से चारों ओर जा सकते हैं, चारों ओर की ट्रेनें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और आप लोग को बता दें कि इस स्टेशन को 1927 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बरकाकाना रेलवे स्टेशन के बारे में बहुत कुछ जानकारियां मिल गई होगी। अगर मिल गई होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली झारखंड से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।